इसमें आपने केवल बेसिक सुविधाओं के बारे में बोला है, मेनली बेसिक सुविधा भी है जो हम पर मुकदमे दायर करेंगे उनके बारे में भी है और भी अन्य मांग है, तो इसीलिए हमें मजबूरन हमें आम जनसन पर बैठना पड़ा है कि हमारे साथ मतलब बहुत अत्याचार हो रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आपका क्या कहना है इस विषय में? प्रशासन ने हमारी कोई बात नहीं मानी। अभी हमारे भाई साहब ने, चौधरी साहब ने बताई, इतने दिन से यहाँ धरना हो रहा है और हमारी यही मांग है कि यहाँ पर हमें इंसाफ मिले, हमारी कॉलोनी को रेगुलाइज किया जाए, वहाँ सीवर, पानी, सड़क, इनकी निकासी की व्यवस्था की जाए। इसीलिए हमने ये धरना, अब ये भूख हड़ताल शुरू करी है मजबूरी में होकर के। प्रशासन का कोई जवाब हमें अभी तक मिला नहीं है और ना ही हमें अभी तक कोई ठोस उन्होंने आश्वासन दिया और ना ही कोई कार्रवाई की कि इससे कभी सम्मेलन के माध्यम से मैसेज दे पाएंगे। सर, हमारी तो जितनी भी अप्रोच हो सकता है कि अथॉरिटी को किसी भी तरीके से हम कन्वेंस कर ले जाएं, हमारा तो मुहिम यही है कि हमारे घर को बचा लिया जाए। आज हमने कभी सम्मेलन वो हड़ताल पे रखा हुआ है कि हम तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ बनके कभी अपनी रचनाओं में व्यक्त करें और सरकार तक अपनी बातें पहुंचाएं, यही हमारा एक उद्देश्य है, इसलिए हमने कभी सम्मेलन रखा हुआ है। दूसरी बात, हमारी बात तो प्रशासन ना सुन के राजी है ना कोई। मैं तो अपनी आवाज़ आदरणीय योगी जी से भी चाह रहा हूँ कि हमारी आवाज़ उठाएं, मोदी जी से भी, लेकिन प्रशासन कानून अंधा है, प्रशासन अंधा है, हमारी बात ना कोई सुन रहा है और ना सुन सकता है। हमें तड़फने के लिए सावेरी में छोड़ रखा है, हमने पैसा ख़त्म किया, हमने रजिस्ट्री करवाई, हर एक चीज़ करवाने के बावजूद आज हम भूख हड़ताल पे अपनी जान देने के लिए। आप लोग का आमरण अनशन जो अभी आज शुरू हुआ है, ये कब तक जारी रहेगा? सर, ये निश्चित काल है, जब तक हमारी बात मानी नहीं जाती है, प्रशासन और अधिकारी हमारे बीच में आके बात नहीं करेंगे, हम अपना हड़ताल जारी रखेंगे। आज